आपको लग रहा है कितना दूर है? नमस्कार, सभी का स्वागत है फिर से एक बार भारत उदय समाचार के विशेष रिपोर्ट दरभंगा जिला के विशेष समाचार में। आपको बता दें कि कोविड-19 कोरोना वायरस संक्रमण महामारी को लेकर भारत सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन के मद्देनजर रखते हुए दिनांक 24/4/2020 से लेकर 26/4/2020 तक ड्रोन कैमरा का उपयोग किया गया है, जिसका फलाफल निम्नलिखित है। आपको बता दें, थाना इस प्रकार लहरिया सरा थाना, दर्ज कांडों की संख्या 2, घटना स्थल बलभद्रपुर बेता चौक पंडासराय बस स्टैंड, कांड से संलिप्त अभियुक्तों की संख्या 9, नामजद गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों की संख्या 9। आपको बता दें, वहीं दूसरे नंबर पर नगर थाना, दर्ज कांडों की संख्या 1, राज मैदान कैंपस दरभंगा टावर। वहीं आपको बता दें कि कांड में संलिप्त अभियुक्तों की संख्या 5, नामजद एवं 11 अज्ञात के विरुद्ध। आपको बता दें कि यहीं गिरफ्तारी किए गए अभियुक्तों की संख्या 1 है। तीसरा विश्वविद्यालय थाना, दर्ज कांडों की संख्या 1, कैदराबाद पुराना बस स्टैंड का कैंपस, 1 नामजद एवं 14 अज्ञात, 1 गिरफ्तार। आपको बता दें कि वहीं चौथे नंबर पर बेता ओपी है, दर्ज कांडों की संख्या 1, दोनार चौक से भटियारी सराय रोड में के बीच, 8 नामजद 8 गिरफ्तार। वहीं आपको बता दें कि कुल योग 5, 23 नामजद एवं 25 अज्ञात, 19 गिरफ्तार। ये है ड्रोन कैमरा से किया गया जो दरभंगा पुलिस का सख्ती से कार्रवाई है उसका विवरण। अब आपको बता दें, पूरा कवरेज देखिए, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करिए। कल दिनांक 26 तारीख को दरभंगा पुलिस प्रशासन के द्वारा टोटल 237 मोटरसाइकिल वाहन को पकड़ा गया है, जिसके लिए फाइन जो हुआ है वो 2,80,000 है और 4 लोगों पर FIR भी लॉन्च किया गया है। ड्रोन कवरेज हुआ है हजमा चौक फ्रॉम 4:30 बजे। आपको बता दें कि खुद CT SP योगेंद्र कुमार हाथ में ड्रोन कैमरा का लेकर सेटअप और घूम रहे थे सड़कों पर। आइए पूरा कवरेज देखते हैं, इस पर योगेंद्र कुमार ने क्या कहा है वो भी सुनते हैं। लॉकडाउन का फुल्ली इम्प्लीमेंटेशन हो, इसके लिए हम लोग दिन रात लगे हुए हैं। सभी थाने की पेट्रोलिंग गाड़ियां और सभी हमारे अधिकारी इसमें मुस्तैदी से लगे हुए हैं। पिछले एक हफ्ते से हम लोग ने इसमें ड्रोन की भी मदद लेनी स्टार्ट करी है। हम लोग को 2 ड्रोन मिले हुए हैं जो कि हमने शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में रोटेशन वाइज बांट दिए हैं। तो पिछले 2-4 दिनों में हम लोग ने लगभग 50-60 गाड़ियों का भी चालान किया है और 3 FIR भी हमने किए हैं, जिसमें हमने काफ़ी लोगों पर नामजद FIR किए जो कि लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे थे। ड्रोन से हमें एक बहुत बड़ी फ़ायदा ये हो रही है कि शहर की वो गलियाँ जो कि व्यस्त हैं, जो कि सक्रिय हैं, जहाँ पे कि पुलिस की गाड़ी नहीं जा पाती है, वहाँ पे ये ड्रोन हमें बड़ी ही आसानी से वहाँ की मॉनिटरिंग कर देता है। और इससे जो हमें फुटेज मिल रहा है उससे हमें अच्छे एविडेंस भी बनाने में मदद मिलती है, ताकि हम आगे चल के लॉकडाउन में जो लोग इन्वॉल्व इनको प्रोसिक्यूट भी कर सके। तो इससे बहुत ही एक अच्छा मैसेज जा रहा है और ये हम लोग के लिए एक प्रकार से
से ये जांच कर रहे हैं और क्या इस पर कार्रवाई कर रहे हैं? लॉकडाउन के दरमियान हम लोग जो ड्रोन कैमरा का इस्तेमाल कर रहे हैं, दूर दराज से हम लोग गलियों को भी देख रहे हैं कि लोग उसका लॉकडाउन का कोई उल्लंघन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन अभी अधिकतर देखा जा रहा है कि लॉकडाउन को लोग पालन कर रहा है। कैमरा को देखने में, फुटेज देखने में पाया जा रहा है कि नहीं, लोग आवश्यक आवश्यकता के लिए जो निकल रहे हैं वही लोग दिखाई दे रहे हैं, अनावश्यक भीड़ भाड़ चाहे ऐसा सामाजिक तत्व चाहे उपद्रवी तत्व लकवा शरारती तत्व वैसा बाहर अभी नहीं निकले हुए हैं। अभी दो आदमी की गिरफ्तारी हुई है, दो आदमी को पकड़ के आपने डाला है, किस तरह से उनको? इन लोगों का इसे सीसीटीवी ड्रोन कैमरा की ही मदद से देखा गया कि ये लोग उधर पुलिस को देखकर रूट बदल रहे थे, तो लगा कि नहीं ये लोग का बिना मतलब, जब सत्यापन किया गया तो पाया गया कि ये नवासे घूम रहे हैं दोनों आदमी। एक होटल वाले हैं जो कि होटल वाले से उससे कोई मतलब नहीं है, होटल बंद है, सब मछली मीट का वो घूम रहा है। इसके बाद एक कह रहा है कि आ रहे हैं भाभी, कह रहे भौजाई के कहाँ कहाँ से आने का बात कर रहा है, जो कि लगता है कि उसके बातों से लगता है कि इन लोग का मकसद थोड़ा अनावश्यक रूप से घूमना है। अभी आप कहाँ कहाँ जांच करेंगे? और अभी अन्य क्षेत्रों में भंडा और हमगंज करमगंज उधर जो वीवो के साइड में हम लोग देख लिए हैं, अब बचा हुआ था जो स्टेडियम से आगे जो कन्हैया पोखर हुआ, खजा सराय हुआ, इसके बाद पंडा सराय हुआ, इस सब एरिया को भी आज हम लोग कवर करेंगे। क्या वैष्णो होटल खाना का होटल है? कहाँ से आ रहा? नहीं घर होटल में सोते हैं ना, तो जा रहे थे घर पे खाना खाने के लिए, मास छूट गया घर पर घूम रहा घर। हाँ, तो यहाँ पर लग रहा है कितना सत्ता पति।